हेलो हाय आप सब को मेरा प्यार भरा नमस्कार वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूंगी यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पुरानी साड़ी को लिया है और साड़ी का उपयोग हम किस किस तरह कर सकते हैं इसे मैं बताना चाहूंगी तो सबसे पहले हमारा ध्यान पर्दे की ओर आता है पुरानी साड़ी का हम लोग पर्दा बना देते हैं दूसरा यहाँ पर मैंने साड़ी से इस तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर बनाए हैं ये जो साड़ी मैंने यहाँ दिखाया है मैंने इसी साड़ी से यह ब्यूटीफुल फ्लावर बनाया है यह साड़ी मैसूर सिल्क का है तो चलिए अब हम दूसरी चीजें बनाना सीखते हैं वैसे इससे आप गुदड़ी भी बना सकते हैं या नहीं तो साड़ी से किसी भी कंबल या क्विल्ट का कवर भी बना सकते हैं इस तरह इसका बहुत सारा उपयोग है ये तो आपकी सूझबूझ के द्वारा ही किया जा सकता है तो लेकिन मैं यहाँ अभी सलाई के द्वारा इस तरह के ऊन वाली सलाई के द्वारा डोरमेट बनाना सिखाऊंगी तो सबसे पहले साड़ी को हम पट्टी में काट लेंगे अब पट्टी काटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड मैंने तीन इंच की लंबी पट्टी काट ली है अब हमें सिलाई को लेना है और सिलाई में हमें घर उठाना है जिस तरह आप स्वेटर बुनते समय ऊन से घर उठाते हैं बिल्कुल उसी तरह इसमें करना है देखिए एक बार ऐसा किया फिर इसमें दोबारा इस तरह किया इसी तरह आप जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं उतने घर का उठा लें ये तो हुआ एक मेथड दूसरा मेथड है कि इसे आप ऐसा कीजिए इधर से लीजिए इसमें एक ऐसा डालिए उसके बाद दोबारा इस तरह डालिए और इसको इसमें फंसा दीजिए इस तरह एक बार और दिखाती हूँ इस तरह डालिए इसमें इसको डालिए उसके बाद इसे इस तरह डाल ले जिस तरह आपको सुविधा लगे उसी तरह आप बना सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर 20 घर बनाऊंगी और उसके बाद दिखाऊंगी देखिए फ्रेंड मैंने सेकंड मेथड के द्वारा सलाई में 22 घर ले लिए हैं अब हमें इसे बुनना है तो दूसरी सलाई लेंगे इसे इस तरह पीछे घुसाएंगे और इसे धीरे से इस तरह फंसा करके इसे इस तरह निकाल लेंगे तो सबसे पहले हमें इस तरह चार घर को बुन लेना है चार घर बुनने के बाद ये हुआ हमारा दो घर दो घर हुआ ये हुआ तीन घर तीन घर उसके बाद ए हुआ चार घर थोड़ा लूज ही बुनिएगा ताकि निकालने में सुविधा हो ये हुआ चार घर चार घर बुनने के बाद हमें क्या करना है इस कपड़े को इस तरह सामने रख देना है सामने रखने के बाद इस अब हम इसे पलट देंगे अब फिर से इधर से बुनाई शुरू करेंगे तो इधर से बुनाई फिर से हम लोग इस तरह शुरू कर इसको बुन लेंगे तो सेकेंड लाइन में मैं बताती हूँ फिर से हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड चार घर बुनने के बाद इसे कपड़े को इस तरह सामने ले आ दे और इस सलाई को घुमा ले घुमा करके अब हमें इसे इस तरह से फिर से इन चारों घर को बुन लेना है चारों घर को बुन लेना है इस तरह करके चारों घर को हम बुन लेंगे चारों घर बुनने के बाद फिर से जब दूसरा सिलाई शुरू करेंगे तो हमें छह घर बुनना है फिर आठ घर बुनना है फिर उसके बाद दस घर बुनना है इसी बुनाई को बार बार हमें रिपीट करना है तो चलिए मैं दिखाती हूँ बनाने के बाद देखिए फ्रेंड मैंने पहले चार घर बुना था अब हम छह घर बुन लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसको कपड़े को इस तरह सामने ला देना है और कांटा को घुमा लेना है कांटा को घुमाने के बाद फिर से इसे हम इस छह जो सिलाई था इस काटे में फिर से सिलाई करके इसे हम लाएंगे आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि बुद्धिमान को इशारा ही काफी है देखिए फ्रेंड मैंने पहले चार घर बुना था उसके बाद छह घर बुना अभी हमें आठ घर बुनना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ यहाँ तक बुनने के बाद फिर से हम इस कपड़े को सामने लाएंगे और कांटा को घुमा लेंगे और फिर से इसी सिलाई में इसे हम फिर से ले लेंगे देखिए फ्रेंड अब हमने आठ घर बुना है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ फिर से इसे इस कपड़े को सामने लाएंगे सलाई को घुमा लेंगे और इसे फिर से इस तरह रखकर इस कांटे का फिर से हम बुनाई कर लेंगे इसी प्रोसेस को दोहराते हुए जाएंगे जब तक कि हमारा यहाँ लास्ट तक बुनाई नहीं हो जाता है देखिए फ्रेंड मैंने 22 घर लेकर इसे बुनना शुरू किया था तो अब पूरा 22 घर मैंने बुनकर रेडी कर दिया है अब हमें क्या करना है फिर से इसी प्रोसेस को दोहराना है फिर से पहले चार बुनेंगे फिर काटा को पलट लेंगे फिर छह बुनेंगे फिर काटा को पलट लेंगे फिर आठ बुनेंगे इसी तरह करते 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 बाईस घर को लेकर हम बुन लेंगे देखिए फ्रेंड, हमारा फायदा नाइन्टी फाइव परसेंट बन चुका है अब बस फाइव परसेंट ही बाकी है तो अब हमें इस घर को बंद करना है तो घर को बंद करने किस तरह किया जाता है इसे देखिए दो घर पहले उठा लीजिए इस इसको सूते को या कपड़े को फंसा लीजिए और उसके बाद इसे इस तरह निकालिए यहां से धीरे से इस तरह निकालिए अब एक निकल गया फिर उसके बाद इसको इसी में डाल दीजिए उसके बाद फिर इस दो को लेकर इसको और ये जो है ये वाला इसको लेकर इसे फिर से बुन लीजिए इस तरह ऐसा करके बुन लीजिए ये फिर से निकल गया आप इसे फिर इस कांटे में डाल दीजिए फिर से दो घर को बुन ले दो घर को लेकर के बुन ले इसी तरह करते हुए पूरे घर को हम लोग बंद कर लेंगे उसके बाद इसे सुई और सूते की सहायता से दोनों को ज्वाइंट कर सिलाई कर लेंगे देखिए फ्रेंड हमारा प्यारा सा पायदान बनकर तैयार हो गया है अब इसके बीच में जो छेद है इस छेद को भरने के लिए आप कुछ भी इस तरह के फ्लावर बनाकर यहाँ पर टाक सकते हैं। या नहीं तो फिर इस तरह के इमोजी लगा सकते हैं मैं यहाँ पर इसे इमोजी को यहाँ पर सटा दूंगी तो दोस्तों आपको हमारा यह प्यारा सा पायदान कैसा लगा यदि आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं फिर अगले डी के साथ तब तक के लिए बाय बाय